अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोयला कढ़ाई। इसको बनाने के लिए चिकन 1 किलो, 1 पाव दही, 2 चम्मच सिरका, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच लहसुन अदरक, 1/4 चम्मच जर्दे का रंग। सबसे पहले हम चिकन के अंदर कट लगा लेंगे छोटे छोटे। हम इसके अंदर कट इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा मसाला इसके अंदर बहुत अच्छी तरह बैठ जाए। तरह चिकन कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, अब मेरे चिकन में कट लग चुके हैं। अब हम इसके अंदर नमक, लहसुन अदरक, कुटी लाल मिर्च और जर्दे का रंग शामिल करेंगे। उसके बाद 2 चम्मच सिरका शामिल करेंगे। के बाद दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम 3 से 4 घंटे के लिए इसको एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम कढ़ाई का मसाला तैयार करेंगे। एक कढ़ाई के अंदर हम एक कप ऑयल डालेंगे और इस ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ये ऑयल गरम हो जाएगा फिर इसके अंदर बारीक कटी हुई 3 से 4 प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ब्राउन होना शुरू हो गई है। हम इसको साथ के साथ चलाते भी रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अब हम इसके अंदर 5 से 6 बड़े कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये इसमें मिक्स ना हो जाए। अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे 1 से 1.5 चम्मच। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। 1/2 से कम चम्मच जायफल और जफ़री शामिल करेंगे। नमक और मिर्च हम इसमें भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है, उसके अंदर भी नमक और मिर्च शामिल है। अब हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे। जब इसमें हल्का हल्का ऑयल आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। अब इसके अंदर ऑयल आ गया है, अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये कढ़ाई बिल्कुल बाज़ारी लगती है, इसका ज़ायका बहुत ही लजीज होता है। हम इसको तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। हम इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि इसके अंदर दही और टमाटर शामिल हैं, उसी के पानी में हमारा चिकन गल जाएगा।
अब हम इसके अंदर नमक और मिर्च शामिल करेंगे। आधी आधी चम्मच मैंने नमक और मिर्च शामिल किया है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे और ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। देखें अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कितनी ही प्यारी लग रही है। जब इसका मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर 2 बड़ी हरी मिर्चें डालेंगे और 2 से 3 चम्मच कसूरी मेथी शामिल करें। कसूरी मेथी कढ़ाई के अंदर बहुत ही मज़ेदार लगती है और कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल बाहर जैसा आता है। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी अब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी अदरक शामिल करेंगे बारीक कटी हुई और पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला 1 से 2 चुटकी। इसके बाद हम इसकी हल्की आंच करके इसको बंद करके रख देंगे, दम वाली आंच कर देंगे। जब इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा 5 से 10 मिनट बाद, फिर हम इसके अंदर कोयला रखेंगे और कोयले की धुनी देंगे। दस से 15 मिनट बाद हम इसको हटाएंगे और इस कोयले को बाहर निकाल देंगे। अब आप ये देखें मेरी कोयला कढ़ाई तैयार है, जो बहुत ही मज़ेदार बनी है और जायके में बहुत ही अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें।